इन दिनों सोशल मीडिया में गाली गलौज, मारपीट, धमकी देने के ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बघेली कलाकार अविनाश तिवारी के ऊपर भी छेड़छाड़ का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, गाली गलौज का ऑडियो भी वायरल हुआ है। अभी पुलिस उक्त मामले की जांच कर ही रही थी कि इन्हीं मामलों के बीच मनोज सिंह नाम का व्यक्ति पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और यूट्यूब में अश्लीलता फैलाने वाले लोगों के ऊपर एक आरोप लगाया है। पीड़ित ने बताया कि रीवा जिले में एक गिरोह सक्रिय है जो भोले भाले लोगों को अपने मोह जाल में फंसाता है और ब्लैकमेल करता है। पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में मनोज सिंह ने बताया कि उसकी पत्नी आरती सिंह विगत दिनों से घर से सोने और चांदी के जेवर लेकर बेटे के साथ चंपत हो गई, जिसे भगाने में पड़ोस की एक युवती का हाथ है, जो YouTube में वीडियो बनाती है और खुद भी दो पतियों को चूना लगा चुकी है, जिसके द्वारा हाल में ही बघेली कलाकार अविनाश तिवारी के ऊपर भी आरोप लगाया गया है। वहीं पीड़ित ने बताया कि 24 जून को उसकी पत्नी आरती सिंह घर का सारा गहना और बच्चों को लेकर एक एक्टिवा स्कूटी सहित लापता हो गई। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि पड़ोस में रहने वाली वर्षा सिंह नाम की युवती ने बहला फुसला कर उसे भगाया है। युवक ने बताया कि YouTube वालों का एक गुरोह सक्रिय है, जिसके द्वारा अपने जाल में फंसाकर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। एक युवती दो दो पतियों के साथ ठगी कर तीसरे को फंसाया है। अगर समय रहते इनके खिलाफ जांच कर कार्रवाई नहीं हुई तो पता नहीं कितने लोगों को यह गिरोह अपने झांसों में लेकर घरों को बर्बाद कर देंगे। पीड़ित ने बताया कि उनके पास कुछ ऐसे ऑडियो और वीडियो हैं जिसे खुलेआम जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि विराट 24 उन ऑडियो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन सुनने में इतने अश्लील ऑडियो गाली गलौज से भरे हुए हैं कि उन्हें सुनाया भी नहीं जा सकता है। ये ऑडियो किसके बीच में बात के हैं यह तो दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से पीड़ित ने धमकी भरे ऑडियो वीडियो उपलब्ध कराया है, उनसे स्पष्ट है कि एक संगठित गिरोह कार्य कर रहा है जो लोगों को ब्लैकमेल कर अपनी तिजोरी भर रहा। सोशल मीडिया में आए दिन अश्लील वीडियो मैसेज कर ब्लैकमेल करने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन अब खुलेआम ऑडियो वायरल करने के मामले थाने पहुंचने लगे हैं। आइए आपको सुनाते हैं ऐसी ही पीड़ा झेल रहे मनोज सिंह को, जिन्होंने ऐसी युवतियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मनोज सिंह बोलिए, क्या मामला है? एसपी ऑफिस आप आवेदन दिया? एसपी जी लिया है सर, कि आज से 6 महीने पहले करीब 24 जून को हम लोग घर से अपने बारात गए थे और उसी टाइम में हमारी पत्नी आरती सिंह इस बच्चे को लेके साथ में गहना जेवरात सब लेके गायब हो गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि ये थोड़ा बहुत फोन कंटेक्टिंग या कुछ भी वर्षा सिंह के संरक्षण में। आज भी वर्षा सिंह कौन है? ये वर्षा सिंह भी हमारी बाजू की लड़की है। अच्छा। जो कि दो बार शादी की, 2012 में शादी की, इसके बाद पति से कुछ पैसे वैसे लेके सब गायब हो गई। तो दूसरी शादी की उसने अभी 3 साल पहले, उसको भी छोड़ के जो है तो पता नहीं कहाँ है। और उसका पति है सेकंड नंबर वाले, उन्होंने भी हमारे पास उनका भी फ़ोन आया, उन्होंने बोला कैसे ऐसे हमारा फोन आ चाहिए जेवरा सब लेके चले गए। इसी तरह आरती सिंह जी की और साथ में हमारा 8-9 साल का बच्चा भी लेके गई। आज तक 6 महीने हो गए, हमारी उनकी कोई खबर नहीं है, वो कहाँ है कहाँ नहीं। और हमारी माँ 50 साल की बुढ़ी आज भी इतना बच्चे के लिए तरफ रही है, रो रही है। इनका गिरोह कितने लोगों का है, क्या करते हैं ये? ये तो जानकारी नहीं है कि गिरोह क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इनका कोई ना कोई गिरोह है, क्योंकि हमको भी लोगों के द्वारा इनके कहने पर मारने की, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। आज भी जान से मारने पैसे की मांग की जाती है, पैसे की मांग भी की जाती है, पैसे दो नहीं तो हम जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है लोगों के, इनके कहने पर कई लड़कों की रिकॉर्डिंग हमारे पास आई, जो कि उन्होंने बोला कि हम जो है तो आपको जान से मार डालेंगे। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ कि क्या जानकारी मिली है? ये जानकारी करीब ऐसे 4-6 लोग ऐसे हैं, मतलब कि एक तो वर्षा सिंह खुद दो पतियों के साथ ऐसा की। ऐसे के नाम जानते हैं आप? क्या नाम है, कहाँ के निवासी हैं? नहीं, दो व्यक्तियों के नाम जानते हैं, शादी हुई थी। उदय सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह। कहाँ के निवासी हैं? ये हैं बढ़न साइड के हैं, और कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनके साथ यही वारदात उन्होंने किया। सेकंड ब्रियंस वो इलाहाबाद थाना हड़िया के हैं, उनके साथ यही वारदात हुई, और वो भी आज फोन कॉन्फ्रेंसिंग में आप अगर चाहेंगे तो उनसे पूछ सकते हैं कि आज आज क्या बात करनी है। आज हम केवल एक और आवेदन देने आए हैं कि जो भी मतलब ये वारदातें हो रही हैं तो ऐसी युवतियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, या कि पुलिस उसके ऊपर सख्त, क्योंकि ये लोगों को गुमराह करके, लोगों को ब्लेम करके, जैसे अविनाश तिवारी जैसे व्यक्ति को, क्योंकि एक बघेली कलाकार हैं। क्या अविनाश जी के साथ ही भी इन लोगों ने किया है? शायद यही किए हैं, शायद नहीं, वर्षा सिंह ही किए। अच्छा। इनको भी ब्लेम करके उनसे पैसा खींचने का तरीका ऐसा है। इस वजह से मैं शासन से अपील करूंगा और ये चाहूंगा कि शासन इतनी एक्टिव हो, क्योंकि ऐसी पता नहीं कितने लोगों को घर बर्बाद कर देंगे, कितने लोगों को मतलब
गुंडा करके पैसे खींचेगी, ये सब साजिश है इन लोगों की। इसलिए इनका जो भी गिरोह हो इन गिरोहों को पकड़ा जाए और सख्त कार्रवाई की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज सिंह परिहार, ग्राम बुढ़िया का। खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।